सो इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले आटा आधा कप चाहिए, मिल्क हमें आधा कप चाहिए, मिल्क में 250 ग्राम्स चाहिए, एक क्यूब बटर का चाहिए, वनीला एसेंस 2 से 3 ड्रॉप्स चाहिए, फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून, कार्डमम पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून, और जो भी आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स हो आप उनको डाल सकते हैं। जिस मेरा बेटा बहुत छोटा है तो मैं इसको ग्रेट करके डाल रही हूँ, आप ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हो। फिर मैंने टूटी फ्रूटी लिया है गार्निश करने के लिए। अभी सबसे पहले हम लोग आटा लेंगे आधा कप जो था, उसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे एक साथ ही, एंड इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें कार्डमम पाउडर भी डालूंगी, हाँ, सो ये एक प्रॉपरली इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम लोग दूसरा बॉल लेंगे और उसमें हम लोग 1 क्यूब बटर डाल देंगे। आप इसमें 2 क्यूब भी बटर्स डाल सकते हैं, बट मेरे पास इतना ही था तो मैंने अभी इतना ही लिया है। और फिर मैं 250 ग्राम ये मिल्क मेड डाल लूँगी और इस मिक्सचर को भी अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको इस मिक्सचर को पूरा अच्छे से फेंटना, यू कैन यूज़ बीटर ऑल्सो, बट मैं थोड़ा सा है इसलिए हाथ से ही कर रही हूँ, बहुत ईजिली हो भी जाता है ये। सो अच्छे से फेंटना है सो दैट एक प्रॉपर स्मूथ थिन कंसिस्टेंसी आ जाए। एंड अभी जितना भी मैं हम लोगों ने दूसरे बॉल पे आटा और बेकिंग सोडा वाला मिक्सचर तैयार किया था उसको धीरे धीरे करके इस मिक्सचर पे ऐड करते रहेंगे और प्रॉपरली मिक्स करेंगे। सो कभी आपको बीच में ऐसा होगा कि थोड़ा ड्राई हो रहा मिक्सचर, तो तब आप इसको अपने हिसाब से मिल्क ऐड कर सकते हैं टू मेक इट लिटिल लिक्विड इन कंसिस्टेंसी। सो जैसे आपका मिक्सर थोड़ा ड्राई होने लगे तो थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको मिक्स कीजिए, एंड देखिए ऐसे स्मूथ कंसिस्टेंसी होना चाहिए सो दैट आपका केक काफ़ी स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बने, भले ही वो आटा का क्यों ना हो, एंड ऊपर से एगलेस भी, बट इट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्पॉन्जी। अब हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसमें हम लोग वेनिला के 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो भी ड्राई फ्रूट्स अभी आपको डालने हैं आप अभी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने जो ग्रेट किए हुए थे पिस्ता, काजू, बादाम, सब मैंने इस पे डाल दिया है, किशमिश डाल दिया है। आप भी अपने हिसाब से जो भी आप लेना चाहते हैं, बेरीज लेना चाहते हो तो बेरीज भी डाल सकते हो, आप इसमें डालो और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लो। देन आई एम टेकिंग द मोल्ड, इसको मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और उसके साइड में अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ सो दैट केक इससे चिपकेगा नहीं जब बन के रेडी हो जाएगा। सो केक इससे चिपकेगा नहीं। आई नेवर यूज़ अ बटर पेपर, मैं हमेशा ऐसे ही प्रिपेयर करती हूँ आप ऑयल डाल के। एंड ये आटा मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसको हल्के से चारों तरफ जहाँ पे भी ऑयल लगाया है वहाँ फैला के आप ऐसे प्रोसेस में निकाल लीजिए सो दैट आपका केक जब भी प्रिपेयर हो वो कभी नहीं चिपकेगा या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी केक को निकालने टाइम। अभी इस मोल्ड में हम लोग अपना बैटर अच्छे से डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से प्रॉपरली शेक कर देंगे सो दैट वो प्रॉपर सेट हो जाए मोल्ड में। नाउ इट्स टाइम टू माइक्रोवेव दिस। हाँ, मैं बोल रही थी इसमें आप अपने डेकोरेशन जैसे भी करना, मैं यहाँ से टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास और कुछ है नहीं, सो मैं टूटी फ्रूटी डाल के इसको गार्निश कर रही हूँ और आप जो भी पसंद हो वो डाल सकते हैं। सो यहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको प्री हीट कीजिए। प्री हीट करने के बाद 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट रख लीजिए एंड केक विल बी डन। इट इज़ वेरी वेरी स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड इवन टेस्टियर इन ईटिंग।